सब बच्चे ध्यान से देखें इस किले को, देखा है कभी किसी ने? आते जाते स्कूल से इस स्मारक को देखा है? हाँ बोलो। अच्छा, तो इस किले के पास में एक पार्क भी है। अच्छा, कोई जानता है इस किले का नाम? बोलो मैम, इस किले का नाम किला राय पिथौरा है। अच्छा, क्या आपने सुना है पहले ये नाम? अच्छा, इस किले का नाम है किला राय पिथौरा और ये पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। सुना है पृथ्वीराज चौहान का नाम? हाँ बोलो। मैम, पृथ्वीराज चौहान बहुत महान राजा थे जिन्हें मोहम्मद गौरी ने चीट करके डिफीट किया था, फिर उन्होंने बंदी करके ले गए और उन्हें ब्लाइंड करा दिया। फिर उन्होंने एक आर्चरी के कंपटीशन में अपने मिनिस्टर के मदद से मोहम्मद गौरी से बदला लिया और उन्हें मार डाला। इस किले का नाम है किला राय पिथौरा। बैठ जाओ। ये किला पृथ्वीराज चौहान के समय में बना था और यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपके एसएसटी टीचर से भी इसकी बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी है। और कोई जानता है इसके बारे में कुछ? पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है किसी ने? ये मॉन्यूमेंट हमारे स्कूल के बहुत नजदीक है, हो सकता है आते जाते आपने कभी देखा ना हो, कभी नोटिस ना किया हो, लेकिन ये मॉन्यूमेंट हमारे स्कूल के बहुत नजदीक है। प्रोजेक्टर बंद कर दो बेटा। पिकनिक पे जब हम जा रहे हैं तो हमने वहां करना क्या क्या है वो सबसे जरूरी है जानना। हम वहां पर बहुत कुछ करेंगे, जैसे मैपिंग, फोटोग्राफी, ड्राइंग, स्केचिंग और नेचुरल स्टडी, नेचर स्टडी करते हैं ना जैसे हम स्कूल में, वैसे। हाँ बोलो। नेचर स्टडी क्या होता है? नेचर स्टडी जैसे हम, बैठ जाओ, नेचर स्टडी जैसे हम अपने स्कूल के आसपास के नेचर को स्टडी करने जाते हैं ना, वैसे ही नेचर स्टडी में वहाँ हम किला के आसपास के नेचर को स्टडी करेंगे, वहाँ की ब्यूटीफुल चीजों को देखेंगे। कि बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। सब अपनी नोटबुक और पेंसिल और पेन निकाल लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? आप सभी इसके किले का ठीक से स्पेलिंग लिखिएगा, आपको पता होने चाहिए, ठीक है? किला राय पिथौरा, ठीक है? अब पिकनिक जाते हैं तो सबसे पहले क्या मन में आता है? स्नैक्स, खाने पीने की चीजें, है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सभी बच्चे पानी की बॉटल और टिफिन जरूर लाएंगे, ठीक है? और कोई बच्चा जिसको उस दिन अच्छा फील नहीं हो रहा, आप मेडिकली फिट नहीं है, तो आप सब बच्चे बताएंगे, हमें इन्फॉर्म करेंगे पहले ही, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स टीचर भी जाएंगे, मंगल सर जाएंगे और उनके पास फर्स्ट एड किट भी होगा, ठीक है? तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको अनइजी फील हो रहा है तो, ठीक है? और सबसे अच्छी बात यह है आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे। मैं आपको सारी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग सब बच्चों को इक्वली डिवाइड कर दूंगी, ठीक है? हर एक रो को एक एक टास्क मिलेगा करने को और वो बच्चे उसी के हिसाब से अपनी तैयारी से आएगा, ठीक है? जैसे इस रो को फोटोग्राफी दे दें, खुश हो, ठीक है? ये रो करेगी नेचर स्टडी, ठीक है? नेचर को अपनी नजर से बनाएंगे, ठीक है? ये रो करेगी मैपिंग, ठीक है? मैपिंग करेंगे। क्या पहले कभी किया मैपिंग? नो मैम। तो आपके लिए एक नई चीज होगी करने के लिए, ठीक है? और आप सब बच्चे करेंगे स्केचिंग, ठीक है? तो स्केचिंग वाले बच्चे अपनी, सब पहले तो सारे बच्चे अपनी ड्रॉइंग बुक लाएंगे और एक नोटबुक लाएंगे, ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करने के लिए और नोटबुक में हर चीज को नोट डाउन करने के लिए, ठीक है? कि हम मामा हमने क्या देखा और हमारा क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है? वो सब लिखेंगे, ठीक है? जैसे स्केचिंग करने वाले बच्चे पेंसिल, पेंसिल कलर्स, स्केच बुक, ये सब लेके आएंगे। डोंट फॉरगेट, कोई आके ये नहीं बोलेगा मैम मैं नहीं लाया, ठीक है? और दूसरी बात, मैपिंग वाले बच्चे जो है वो शीट लेके आएंगे, व्हाइट शीट ही लाना, ठीक है? A4 शीट नहीं, बड़ा चार्ट पेपर, व्हाइट चार्ट पेपर लेके आएंगे, मार्कर्स लाएंगे और स्केच पेन लाएंगे, ठीक है? और जैसे आपका ये टीम वर्क होगा तो आप उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है? और हाँ जी बोलो। मैं पूरी टीम के मैं एक मैप बनाएगी? हाँ, पूरी टीम एक मैप बनाएगी। आप सब लोग अलग अलग जगहों के टैग्स बना लेंगे, बैठ जाओ बेटा, टैग्स बना लेंगे, हमने कौन सी जगह देखी, वो कितनी दूरी पे थी, उसका क्या वो ट्रैक था, कितने स्टेप्स थे, वो सब चीजें, ठीक है?
कि उसके नजदीक कोई वाटर टैंक था या उसके नजदीक कोई पेड़ था, तो वो चिन्ह, वो जगहों के चिन्ह आपको मार्क करने होंगे मैप पे, ठीक है? तो आप सब अपने विहान जी, हमारे ग्रुप को कोई लीड भी हुआ नहीं। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठ जाओ। जैसे आपका ग्रुप कर रहा है नेचर स्टडी, काजल इज द लीडर फॉर स्केचिंग, ठीक है? आप लोग कर रहे हो मैपिंग, तो चंचला बन जाएगी इस ग्रुप की लीडर, ठीक है? आप लोग कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? नेचर स्टडी। तो नेचर स्टडी की युक्ता आप बन जाओ ग्रुप लीडर। तो ग्रुप लीडर का काम है कि सारे बच्चे सारा सामान लाए, और सबसे बड़ी बात है आपका कॉम्पिटिशन अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? तो सारे बच्चे परसों पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और कोई बच्चा एबसेंट नहीं होगा, ठीक है? एबसेंट मत होना। हम आज आके खूब ड्राइंग करेंगे, स्केचिंग करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, घूमेंगे और खूब मस्ती करेंगे। तैयार हो? यस मैम। ठीक है।